वहीं छत्तीसगढ़ में किस तरह के हालात हैं ये जानने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं नीरज तिवारी का। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। नीरज, लॉकडाउन का जो तीसरा दिन, लोग कितना कॉपरेट कर रहे हैं, लॉकडाउन का क्या असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है? जी रंजना, मैं बताऊँ आपको कि आज लॉकडाउन का तीसरा दिन है और छत्तीसगढ़ में आज तीसरे दिन के हिसाब से यदि देखें तो लॉकडाउन सार्थक दिख रहा है। आज लोगों की आवाजाही सड़कों पर कम है। अत्यावश्यक वस्तुओं की यदि बात करें तो राशन, मेडिकल और पेट्रोल्स वगैरह को लेकर जो है लोग निकल रहे हैं। राशन के लिए किराने की दुकान में लंबी लाइनें लगी हुई रहती है, मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन है, पेट्रोल पंप जो है वो अभी शहर में खाली दिख रहे हैं। इसको लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अभी लोगों से अपील की है कि कोशिश करें कि घर से ना निकले और जितना हो सके अपना काम घर से ही निपटाने का प्रयास करें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सहायता कोष में भी मदद की, लोगों से अपील की है, जिसको प्रदेश के हर लोगों का जो है वो समर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही यदि कोरोना मरीजों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 6 मरीज जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 289 लोगों के सैंपल स्वास्थ्य विभाग ने लिए थे, इसमें से अभी 25 लोगों के सैंपल पर रिपोर्ट आना बाकी है। जी रंजना, बिल्कुल, तो सैंपल्स की रिपोर्ट आना अभी बाकी है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि लॉकडाउन के दौरान सब कुछ बंद है, ऐसे में खाने पीने की चीजों की तो लोगों को दिक्कत नहीं हो रही, लोग कितना कॉपरेट कर रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी तरह की किल्लत ना हो? जी रंजना, सरकार से की तरफ से यदि बात करें तो सरकार जो है वो पूरी तरह से इस कोशिश में है कि लोगों को खाने पीने की सामानों की कोई कमी ना हो। इसके लिए तीन महीने का राशन भी सरकार ने देने की घोषणा की है। जो राशन कार्ड परिवार है उनको 3 महीने का राशन सरकार अभी से ही दे रही है। इसके साथ ही जो किराने के दुकान है उनके लिए भी समय निर्धारित कर दिया गया है। 12 से शाम 5 बजे तक किराने की दुकान छत्तीसगढ़ में अभी खुल रही हैं और सभी जिनको किराने के सामान की आवश्यकता है वो वहाँ से सामान प्राप्त कर पा रहे हैं। उसी प्रकार गैस की एजेंसी भी खुली हुई है। मेडिसिन्स की बात करें तो मेडिसिन्स जो है वो 24 घंटे अभी छत्तीसगढ़ में अवेलेबल है। जी रंजना, कुल मिलाकर कहा जा सकता है नीरज कि लॉकडाउन को देखते हुए लोग भी अब एहतियात बरतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि कोरोना को हराना है तो एक दूसरे के संपर्क में नहीं आना है, चेन को तोड़ना होगा, लोग इतने जागरूक हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल, अभी जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी उसके बाद तो थोड़ा पैनिक सिचुएशन जो है वो छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला था। लोग सड़कों पर आ गए थे और अपनी जरूरतों की सामानों के लिए जो है वो पैनिक हो गए थे कि सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसी स्थिति होगी आने वाले दिनों में। लेकिन जिस हिसाब से अभी प्रदेश में सरकार ने व्यवस्था मुहैया कराई है तो लोग भी जो है वो समझ गए हैं कि सामानों की कमी नहीं होगी, सरकार भी हमारे साथ है। इसके साथ ही सरकार ने कुछ क्षेत्रों में जो है वो होम डिलीवरी की सेवा भी शुरू कर दी है। नगर निगम ने इसके लिए जोनवार जो है वो व्यवस्था की हुई है। जी, तो नगर निगम ने व्यवस्था भी पूरी की गई है, साथ ही साथ जो लोग जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनका कितना सहयोग आप देख पा रहे हैं और साथ ही साथ उनके लिए क्या खास इंतजाम राज्य सरकार की तरफ से? जो लोग अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं जैसे मेडिकल सेक्टर की बात करें, अत्यावश्यक में अग्निशमन, पुलिस, सुरक्षा कर्मियों की यदि बात करें तो उनकी भी ड्यूटी जो है वो शिफ्ट वाइज कर दी गई है। राजधानी रायपुर की यदि हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तो पिछले दिनों सुरक्षा के लिहाज से पुलिस जो है बहुत ज़्यादा मुस्तैद थी, बहुत ज़्यादा कठोर कदम पुलिस की तरफ से उठाए जा रहे थे, लेकिन अभी 2-3 दिन से पुलिस ने जो अपने कठोर कदम इख्तियार किए थे उस पर भी थोड़ी नरमी बरती है और उस नरमी के साथ ही पब्लिक का सपोर्ट भी जो है वो पुलिस को मिलने लगा है। जी, तो सपोर्ट भी मिल रहा है पुलिस का और पुलिस भी सहयोग कर रही है। बने रहिएगा नीरज हमारे साथ।